नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले कालांश में हमने कक्षा 3 का अध्याय 3 का आनुवंशिकता पाठ पढ़ा था, जिसमें मेंडल का जीवन परिचय और थे और कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे संकरण के बारे में। संकरण क्रॉस या हाइब्रिड। संकरण किसे कहते हैं? दो अलग अलग जाति के जीवों में प्रजनन करवा करके नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया कहते हैं संकरण। दो अलग अलग प्रजाति के जीवों में या पौधों में प्रजनन करा करके नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया कहते हैं संकरण। परिभाषा होती है दो अलग अलग जाति के जीवों में प्रजनन कराकर नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया को संकरण कहते हैं। उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण जैसे चावल जो होते हैं, चावल की दो किस्में होती है, साबरमती और दूसरी होती है बासमती। इन दोनों किस्मों में संकरण से साबरमती 370 किस्म उत्पन्न की गई है। इसी प्रकार से नर गधे व मादा घोड़े के संकरण से खच्चर उत्पन्न किए जाते हैं। तो खच्चर एक संकर प्रजाति होती है जो दो अलग अलग जीवों के प्रजनन करा करके उत्पन्न करते हैं। अगली परिभाषा होती है संकर। संकरण से उत्पन्न नई संतति को, यानी इन दोनों में संकरण से ये उत्पन्न हो रहा है तो ये संकर संतति है, इन दोनों से ये खच्चर उत्पन्न हो रहे तो संकर जो होगा। संकरण से उत्पन्न नई संतति को नई संतति को संकर कहते हैं। संकर संतति जो होती है वो विषम युग्मजी व बंद्य होती है। विषम युग्मजी के बारे में मैंने कल बताया था, जिसमें दोनों जीन अलग अलग होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं। बंद यानी जिनसे आगे संतान उत्पन्न नहीं होती है, बांझ जिसको हम बोलते हैं वो विषम युग्मजी और बंद होती है। इसमें खच्चर जो है एक संकर संतति होती है तो वो विषम युग्मजी और बंद होगी। अब जो परिभाषा आती है प्रथम संतति पीढ़ी, या हम कह सकते हैं F1 पीढ़ी। संकरण से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी को कहते हैं प्रथम संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी। दो जीवों में समान लक्षण वाले या अलग अलग लक्षण वाले जीवों में संकरण कराने से जो पीढ़ी उत्पन्न होती है वो होती है F1 पीढ़ी। तो परिभाषा होती है संकरण से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं।
इसी प्रकार से अगली परिभाषा होगी द्वितीय संतति पीढ़ी। द्वितीय संतति पीढ़ी किसे कहेंगे? एफ वन पीढ़ी के जनकों में संकरण कराने से उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को कहते हैं द्वितीय संतति पीढ़ी, यानी जो संकरण कराया गया उससे जो पीढ़ी उत्पन्न हुई उससे अगली पीढ़ी। तो एफ वन पीढ़ी के जनकों में संकरण कराने से उत्पन्न पीढ़ी को द्वितीय संतति पीढ़ी या एफ टू पीढ़ी कहते हैं। अगली परिभाषा होगी प्रभावी लक्षण। सेम इसी प्रकार से होगी अप्रभावी लक्षण। केवल एक शब्द के फर्क होगा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे? संकरण से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी में जनकों के जो लक्षण प्रकट होते हैं, दो जीवों में संकरण कराते हैं तो जो संतति उत्पन्न होती है उसमें जनकों के जो लक्षण प्रकट होते हैं उसको कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो संकरण से प्राप्त एफ वन पीढ़ी में जनकों के जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब इस परिभाषा में जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। तो परिभाषा होगी संकरण से प्राप्त एफ वन पीढ़ी में जनकों के जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उसे उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लक्षण कहते हैं। पीढ़ी दोनों में कौन सी रहेगी? एफ वन पीढ़ी। तो एफ वन पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होंगे उसे कहेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। अगली परिभाषा होती है लक्षण प्ररूप, या कह सकते हैं फिनोटाइप। लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप किसे कहते हैं? किसी भी जीव की या सजीव की बाह्य प्रतीति, बाहरी लक्षण जो होते हैं उसे कहते हैं लक्षण प्ररूप। सजीवों की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। इसी प्रकार से होगा जीन प्ररूप। जीन प्ररूप या जीनोटाइप। जो आनुवंशिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं, जीवों की आनुवंशिक संरचना को प्रदर्शित करती है उसे कहते हैं जीनोटाइप या जीन प्ररूप। जीवों की आनुवंशिक संरचना को
जीन प्ररूप, जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा होती है एकल संकर संकरण, एक होगा द्विसंकर संकरण और एक होता है त्रिसंकर संकरण। एकल संकर संकरण किसे कहेंगे? ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे कहेंगे एकल संकर संकरण, और जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकरण कहते हैं, और जिसमें तीन लक्षणों की या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं त्रिसंकरण या बहुसंकरण भी कह सकते हैं, बहुसंकरण। ऐसा संकरण जिसमें जीवों के एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है इसका लक्षण प्ररूप या कह सकते हैं फिनोटाइप। सवाल आता है एकल संकरण संकरण का लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप बताइए, तो होगा 3:1। इसी प्रकार से जीन प्ररूप, जीनोटाइप 1:2:1। एकल संकरण का अनुपात बताइए, तो लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप होगा 1:2:1। त्रिसंकरण में यहाँ एक की जगह पर क्या लिख देंगे? 2। तो ऐसा संकरण जिसमें जीवों के दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसका भी लक्षण प्ररूप होगा या फिनोटाइप, वो आपको ध्यान रखना है 9:3:3:1 होगा। द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप 9:3:3:1। इसी प्रकार से जीन प्ररूप या जीनोटाइप 1:2:2:4:1:2:1:1 होता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं 12:24:12:12:1, तो सबके बीच में अनुपात लगाएंगे। तो सवाल में ध्यान रखना है द्विसंकर संकरण पूछेगा तो उसका फिनोटाइप होता है 9:3:3:1 और जीनोटाइप होगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो इसको हम 12:24:12:12:1 से भी याद कर सकते हैं। त्रिसंकरण या बहुसंकरण जिसमें दो या अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? बहुसंकरण। तो ये संकरण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ थी जो हमारे पाठ में उपयोगी रहेगी, आगे पाठ को समझने में सहायता होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।